दोस्तों भारतीय रेल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अब यात्रा के लिए सही टिकट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी कर दिया गया। अगर आपके पास सही टिकट नहीं है तो आपसे जुर्माना तो लिया जाएगा ही, साथ ही आपको गाड़ी से उतार दिया जाएगा बीच में किसी भी स्टेशन पर, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे ऐसा क्यों हुआ है और इसका समाधान क्या है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, नमस्कार, मेरा नाम है अजीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा इस अपडेट के बारे में, आपको बताया कि बीच में उतार दिया जा रहा है यात्रियों को, तो आपको बुरा लगा ही होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या तब भी आप यही सोचेंगे जब आपके पास कंफर्म टिकट है, आप अपने कोच में यात्रा कर रहे हो और अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स बहुत सारा आपकी कोच में आ जाते हैं, तब आपको लगेगा कि इन लोगों को उतार देना चाहिए। लेकिन अभी आपको यह गलत लग रहा है और ऐसा हर किसी के साथ होता है, यही सच है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है दोस्तों मेरे हिसाब से भारतीय रेल, क्योंकि रेलवे को सिर्फ उतना ही वेटिंग टिकट देना चाहिए। देखिए, जो बिना टिकट वाले यात्री है आप उनसे जुर्माना लो, उनको उतार के जनरल में भेजो, जो करना है करो। लेकिन जो मतलब जिन्होंने टिकट लिया हुआ है, एक तो कन्फर्म वाले पैसेंजर का किराया जितना होता है, वेटिंग वाले पैसेंजर का भी किराया उतना ही होता है, तो उतना ही किराया लेकर आप उनके टिकट को कन्फर्म नहीं कर रहे हो, उनको इस तरह से तड़पा रहे हो, बीच में उतार दे रहे हो, तो ये तो चीज़ गलत है ना। तो टिकट सिर्फ उतना दो जितना कन्फर्म होगा। अब आप कहेंगे कि भैया किसको मतलब पता कैसे चलेगा कि कितना कंफर्म होगा? जी हाँ, पता चल सकता है। बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है वो गाड़ी की पिछली रिकॉर्ड को देखकर जब बता पा रहे हैं कि ये टिकट कंफर्म होने का चांसेस कितना है, तो रेलवे क्यों नहीं बता सकती है? और रेलवे ने जबकि एक दावा भी इससे पहले किया हुआ था कि हम अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में एक ऐसा मतलब अपडेट लाने वाले हैं कि हर गाड़ी में, सपोज मान लेते हैं किसी गाड़ी में जो 10 या 15 वेटिंग लिस्ट जो है वो कंफर्म होता है, तो सिर्फ 10-15 वेटिंग ही, उसके बाद बुकिंग ही उस गाड़ी में नहीं होगी। तो ये चीज़ लाना चाहिए था, आपने कहा, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो अब यात्रियों को जितना मिल रहा है वेटिंग वो बुक करते जा रहे हैं और बाद में परेशानी उनको ही होना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि भैया वेटिंग है तो कुछ रुपए उनको रिफंड भी कर दो, पूरा भी किराया ले ले रहे हो, गाड़ी से भी उतार दे रहे हो, अलग से जुर्माना रखा हुआ है उनका। और सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, रेलवे के बहुत सारे ऐसे दावे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बताया गया था कि IRCTC में एक नई चीज़ ऐड की जा रही है जिसमें जो पेट पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ डॉग्स या कैट्स जो लेकर यात्रा करना चाहते हैं फर्स्ट एसी में, वो IRCTC में ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमारे साथ जो डॉग है या कैट है तो हमें कूप या केबिन अपने बुकिंग के हिसाब से आप लोग दे दो। लेकिन ये चीज अभी तक नहीं आया। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जहां से गाड़ी शुरू हो रही है उस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन देना होगा कि मेरे साथ डॉग है या कैट है, मुझे कूप या केबिन दे दी जाए मेरे केबिन के अंदर में, कोई अलग से बाहर से किसी यात्री को न दिया जाए। क्योंकि अगर कोई बाहर से कोई यात्री है तो उसमें आप अपने डॉग या कैट को लेकर यात्रा नहीं कर सकते हो। अब सोचो आप जरा, 12 घंटे पहले कोई गाड़ी शुरू हो रही है तो 12 घंटे पहले क्या उतना दूर आप जाकर एप्लीकेशन उस स्टेशन पे जाके दोगे? कितना मतलब हैरेसमेंट वाली चीज है। तो ये भी अब तक नहीं आया है। तो अब यहां पे जो बात है वेटिंग वाले पैसेंजर्स को उतारने का, ये जो अभियान चलाया गया है, आप चलाओ उतारो, लेकिन उनको दूसरे कोच में तो छोड़ाओ, आप स्टेशन पर ही छोड़ा रहे हो, आप जुर्माना भी ले रहे हो और गाड़ियों से स्लीपर के कोच जो है वो कम किया जा रहा है, जनरल के कोच कम किए जा रहे हैं, तो यात्री जाएंगे कहां भाई? कम से कम आप देखो कि एक गाड़ी में वेटिंग ज्यादा हो रहा है तो उसमें एक दो कोच एक्स्ट्रा लगा दो, उनके टिकट्स को कंफर्म कर दो, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसे दिए हुए हैं। देखिए, ऐसा मेरा सोचना है, आपका क्या है सोच आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।